हेलो फ्रेंड्स, हम अपनी डाइट में ऐसा क्या खाएं जो हमारे शरीर में ठंडक पहुंचाए, गर्मी में राहत दे और स्वस्थ भी रखे। गर्मियों में हमें खाने में ये चार आटे का इस्तेमाल करना चाहिए। ये चार आटे ठंडी तासीर वाले होते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें। गेहूं का आटा तो हमेशा यूज करते ही है घर किचन में अपने। इसके साथ तीन आटे और मिक्स कर ले, बस ये वाले, एक ज्वार का आटा, जौ का आटा और एक चने का आटा। अब हम गेहूं का आटा लेंगे एक कटोरी, ज्वार का आटा आधा कटोरी, जौ का आटा आधा कटोरी, चने का आटा भी आधा कटोरी, एक चम्मच ऑयल और एक चम्मच नमक डालेंगे और एक गिलास पानी लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, पूरा इकट्ठा नहीं डालना है और अच्छे से आटा गूंदना है। अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आटा जितना अच्छा आप मलेंगे ना, उतनी ही अच्छी आपकी रोटी बनेगी, तो मुलायम रोटी बनेगी और कड़क भी नहीं होगी। ज्वार का, जो का और जो चने का आटा होता है ना, इससे टाइट थोड़ा कड़क हो जाती है रोटी। आटा गूंदने के टाइम पे बहुत ध्यान रखना, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना और अच्छे से मलना आटे को। बस ये दो बातों का जरूर ध्यान रखना, आपका आटा बहुत बढ़िया मुलायम मुलायम बनेगा और रोटी भी बहुत सॉफ्ट बनेगी। तो ये आटे जरूर इस्तेमाल करें। मैं गर्मियों में बहुत जरूरी यूज़ करती हूँ। जैसे हम सर्दियों में सब बाजरे का आटा और मक्की का आटा यूज़ करते हैं ना हमेशा, ऐसे ही गर्मियों में चार ये वाले आटे यूज करने चाहिए। इन चार आटों से बहुत फायदा होता है, पाचन क्रिया में भी सुधार आता है, हमारे शरीर में ठंडक भी पहुंचाता है और शरीर को स्वस्थ रखता है और ब्लड को साफ करता है और वजन को भी घटाने में बहुत मदद करता है ये। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं। आटा गूंद के तैयार है हमारा, ये देखिए आटा ऐसे गूंद के रख दें और 15 मिनट बाद रोटी बनाएं और पानी हमारा बहुत ही कम लगा है। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।